हेलो लर्नर्स वेलकम टू जल तो जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर प्रमोद हेल जो कि न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि पीसीआई के और वाइस चांसलर भी हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मरथुरा यूनिवर्सिटी बामू के तो उन्होंने प्रपोज़ किया है कि वो अब एग्जिट एग्जामिनेशन जो है कंपलसरी करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेफामा ग्रेजुएट हो रहे हैं यानी कि अगर आप डिफामा पास कर ले रहे हैं तो आपको जो है फार्मेसी इंडस्ट्री में एंट्री से पहले यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको एग्जिट एग्जामिनेशन कंपलसरी पास करना होगा तो ये भी प्रपोज अभी, अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है और ये प्रपोजल जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को रिसेंटली जो है जल्दी भेजा जाएगा लेकिन बता दें कि डी फार्मेसी में ये एप्लीकेबल हो चुका है तो दो हज़ार के बाद जो भी स्टूडेंट्स डी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उनको जो है डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना एग्जिट एग्जामिनेशन पास करना होता है उसके बाद ही वो जो है फार्मेसी इंडस्ट्री के लिए एज ए फार्मासिस्ट व रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं तो 2018-19 के बाद है तो हम आप डी फार्मा का ही यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है तो नॉर्मली यहाँ पे क्या है कि साल में दो बार होता ही एग्जामिनेशन एग्जिट एग्जामिनेशन और आप जो है इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप पास हो जाते हैं तीन पेपर होता है फिफ्टी मार्क्स जो है अगर तीनों पेपर में फिफ्टी मार्क्स आप लेके आते हैं तो आप जो एलिजिबल होंगे फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पे देखिए द पी सी आई में फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन स्टेब्लिश एन अथॉरिटी यानी कि एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश की जाएगी जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी यहाँ पे तीन पेपर होंगे ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा इन फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी फार्माकोग्नोसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शेल बी इंग्लिश द टेस्ट फॉर ईच पेपर शैल बी ऑफ थ्री आवर ड्यूरेशन ए कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज अ हैविंग पास ओनली इफ यू ऑप्टेन ए मिनिमम और 50 परसेंट मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली जो भी एग्जामिनेशन होंगे सभी में सेपरेटली आपको 50 परसेंट मार्क्स आने होंगे तो आप जो है पास कर लाएंगे ए कैंडिडेट्स आई हैव टू पास ऑल द थ्री पेपर इन द सेम अटेम्प्ट हाउ एवर देर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन यानी कि यहाँ पे एग्जिट एग्जामिनेशन में कितनी बार आप अटैप हो रहे हैं उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन रे, नहीं रहेगा आप कितनी बार भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं लेकिन जब भी आप एजामिनेशन देखिए तीनों पेपर में अगर आप पास होंगे तभी आप जो है एलिजिबल होंगे यानी कि दो में पास हो गए एक में रह गए तो आप एलिजिबल नहीं है फिर से तीनों पेपर आप दीजिए उसके बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर इनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस जो है वो इशू किया जाएगा जिसको आप जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में दिखाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट एज फार्मासिस्ट आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ामिनेशन तो ये डीफामा का एग्जिट एग्जामिनेशन है कि जब वो पास कर लेंगे एग्जिट एग्जामिनेशन पहले डिफामा उनको कंप्लीट करना होगा फिर एग्जिट एग्जामिनेशन पास करना होगा उसके बाद जो है फार्मासिस्ट जो स्टेट काउंसिल होता तो है वहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और है दीज रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सनस हुज नेम्स आर ऑलरेडी इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट फॉर द स्टेट यानी कि जिस भी स्टेट में आप ऑलरेडी इस ये जैसे दो से अपलिकेबल हुआ था तो दो से पहले जिनको भी रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवा लिया था फार्मासिस्ट के तरीके से तो फिर उनके लिए एग्जामिनेशन कंपल्सरी नहीं होगा लेकिन ये रूल एप्लीकेबल होने के बाद जो है जित भी ग्रेजुएट करेंगे डिप्लोमा करेंगे उनके लिए जो कंपलसरी होगा तो बीफामा के लिए भी प्रपोजल भेजा जा रहा है अभी हालांकि एप्लीकेबल नहीं हुआ है लेकिन ये प्रपोजल है कि बीफामा पे भी ये एग्जिट एग्जामिनेशन लागू हो तो जो भी स्टूडेंट्स बीफामा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद उनको बीफामा एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा वो क्वालीफाई कर लेंगे उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट वो जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं तो जब भी ये नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन में आ जाएगा उस दिन से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा तो सपोज से कि 2022 में एप्लीकेबल होता है नोटिफिकेशन आता है 2022 में इसका तो फिर 2022 से पहले अगर आपने बीफार्मा कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा लेकिन दो में ये नोटिफिकेशन आता है उसके बाद अगर आप फार्मेसी पास करते हैं कोर्स पास करते हैं तो फिर आपको एग्जिट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा अगर आप एज ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो शो ऑल द बेस्ट की